हेलो फ्रेंड्स, राम राम, दुआ सलाम। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, हिंदुस्तानी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कुरान का पहला चमत्कार, उसको ऑपरेशन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कुरान की सबसे बड़ी स्टार्ट। प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक घर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटाइन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल ने, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा? पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हरकल, हराकुलस, को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हराकुलस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हराकुलस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह, द होली सेपल्कर, को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्ला शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल टेसिफोन मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजरे अस्वद उठा के ले जाए, कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हराकुलस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हराकुलस, मेरा एक छोटा सा गुलाम, तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर
मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, मोहम्मद, रीड। इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह हम तुम मुसलमानों को भी तबाह करें। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई हैं कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सब ने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊँट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो। उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाक्य के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21-year-old सुल्तान मेहमत ने कश्तियां पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। एंड आई कैंट वेट टू टेल दैट स्टोरी। सो सब्सक्राइब। कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हराकिलस ने एक पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आग की इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हराकिलस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हराकिलस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हराकिलस को भेजे, जिससे हराकिलस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हराकिलस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेंपल भी था जिसमें आग बहुत सालों से जल रही थी। तो हराकिलस ने अपना पूरा बदला लिया और उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाक्य के बाद गेम कम्प्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे और कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊँट दिए, लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊँट गरीबों में बांट। हराकिलस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था
वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्परर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई, जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन हेराक्लियस नहीं माना। और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया, और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया। और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।